नमस्कार, MPCG 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज की ताजा खबरों के साथ मैं निशा। पूर्व सांसद को महंगा पड़ा रेत माफियाओं के खिलाफ लड़ना, पुलिस ने किया अमानवीय व्यवहार। अंडरगारमेंट्स में उठाकर ले गई पुलिस, पत्नी के साथ भी किया अभद्र व्यवहार। गुनेघाट में विवाद के चलते हुआ था अपराध दर्ज। बालाघाट नियमों को ताक पर रख नदियों को अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ पूर्व सांसद कंकर मुंजारे लंबे समय से मोर्चा खोले हुए हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनके ऊपर बलवा जैसी गंभीर धाराएँ भी रेत माफियाओं ने लगवा दी है, जिसके चलते शनिवार की सुबह पुलिस ने बड़ी संख्या में बल तैनात कर पूर्व सांसद को गिरफ्तार कर लिया है। सुबह हुई कार्रवाई को जहां पूर्व सांसद से गलत ठहराया है, वहीं उनकी पत्नी व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुमा मुंजारे ने इसे पूर्व सांसद के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के साथ ही अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। किया अभद्र व्यवहार, कपड़े तक पहनने का नहीं दिया मौका। पूर्व सांसद की पत्नी ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे बड़ी संख्या में उनके घर के सामने पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और बिना की सूचना के पुलिस सीधे घर और बेडरूम के अंदर घुस गई। पुलिस की इस प्रक्रिया पर सवाल किए गए तो पुलिस ने उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया और सोकर उठे पूर्व सांसद को उसी हालत में पकड़ लिया है। जब उन्होंने पुलिस से कहा कि वे कपड़े पहन लेते फिर लेकर चलो, तो पुलिस यहां भी अमानवीय करतूत करते हुए उन्हें अंडरगारमेंट्स में ही लेकर चली गई। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद लंबे समय से बालाघाट जिले के जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे और नदियों को अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए, जिसके चलते ही उनके साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार किया गया है जो गलत है। गुनेघाट पर हुआ था विवाद। खैरलांजी थाने में अपराध दर्ज। कुछ दिन पूर्व ही खैरलांजी क्षेत्र के गुनई समेत अन्य गांवों में ग्रामीण ने पूर्व सांसद से शिकायत की थी कि रेत माफिया मशीन लगाकर रेत का अवैध उत्खनन कर रहे और निर्धारित गुनई घाट को छोड़कर अन्य स्थान से रेत का उत्खनन कर रहे हैं, जिससे नदी को भी खतरा हो गया। इस शिकायत पर पूर्व सांसद अपने कुछ समर्थकों के साथ गुनई घाट पहुँचे थे, जहां रेत माफिया और उनके बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई थी, जिसकी शिकायत खैरलांजी थाने में की गई थी और शिकायत के आधार पर पुलिस ने पूर्व सांसद के खिलाफ अपराध दर्ज किया था, जिसके चलते ही शनिवार को उनकी गिरफ्तारी कर उन्हें SDM न्यायालय में पेश किया गया है। घाट पे हुआ था, गुनई घाट पे क्या घटनाक्रम हुआ था, किस तरह से साजिश रची गई थी प्रशासन की उनकी जान से मारने की, प्रशासन ने कोशिश भी तैयारी भी रखी हुई थी, सब कुछ बताया उन्होंने। तब पुलिस ने क्यों नहीं उनको अरेस्ट किया, तब क्यों नहीं पुलिस आई? तो एक व्यक्ति तो कानून का सम्मान करते हुए धर्म है बराबर, आप उनको इज्जत से ले जाओ ना। हम जो भी फैसला होगा न्यायपालिका करेगी, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं सिर झुका के, लेकिन इस एक जनप्रतिनिधि के साथ हम जो जनता के लिए लड़ रहा है, जिसकी कोई व्यक्तिगत किसी से कोई लड़ाई नहीं है, ना रेत वालों से है, ना खनिज वालों से है, ना जंगल काटने वालों से, व्यक्तिगत क्या लड़ाई होगी। जनता की शिकायत पे वो गए और उनके साथ इस तरह से बात हुई और ऐसा एक तरफा प्रकरण बनाया गया, जबकि काउंटर केस बनना था, हमारी भी रिपोर्ट लिखी जा रही थी और उनके गुंडे बदमाशों पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे में कौन रोकेगा, कौन लड़ेगा, किसके लिए लड़ेगा? ये बहुत शर्मनाक बात है और मेरे साथ ये पत्रकार हुए सबसे, और एक बहुत गंभीर बात है कि मेरा मोबाइल पुलिस वाले ले गए, जबकि मैं इस घटनाक्रम में मेरा कहीं कोई नाम नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है मामला, और मेरा मोबाइल भी इन लोगों ले गए और कबूल नहीं करें कि मेरा मोबाइल कौन ले गया। और हम अभी फोन लगा रहे हैं तो कवरेज क्षेत्र से बाहर बता रहा है, जबकि आप सब जानते हैं कि मेरा नंबर महत्वपूर्ण नंबर है और पिछले 15 साल से मैं BSNL का वो नंबर चला रही हूँ, उसमें व्हाट्सएप भी मेरा है, तो मेरा मोबाइल भी मेरे ले जाने के पीछे इनके क्या मकसद हो सकता है? तो ये पुलिस प्रशासन की, जिला प्रशासन की गुंडागर्दी है और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम सड़क पे आके लड़ेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अन्याय अत्याचार को हम इस तरह से नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे। और आज के दिन को मैं फिर कह रही हूँ कि आज का दिन काले दिवस के रूप में माना जाएगा। मैं 30 साल हो गए मेरी शादी को और इस घर में मैं ब्याह के आई हूँ, मुंजारा जी से मेरा ब्याह हुआ। 30 साल में हमने सैकड़ों जन आंदोलन किए, सैकड़ों जनता की, सैकड़ों बार हम लड़ाई लड़ने मैदान
मैदान में उतरे, चाहे जंगल की लड़ाई हो, चाहे बिजली की लड़ाई हो, किसानों की हो, मजदूर साथियों के अधिकार की बात हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, हर मामले पे हम लोगों ने लड़े हैं और कई बार हमारे ऊपर मामले बने, जो भी बने, जैसा भी हुआ। तो लेकिन कभी भी किसी भी तरीके से ऐसी इतने घिनौने तरीके से, इतने शर्मनाक तरीके से गिरफ्तारी मुंजारे जी की नहीं हुई, जैसे आज एक इतने बड़े जनप्रतिनिधि को जो 40 साल से जनता की राजनीति कर रहा है उसको अंडरवियर बनियान में अरेस्ट करके ले जाया गया है। शर्म करो शिवराज सिंह सरकार जी, आप शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी, आप शर्म करो और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को शर्म आना चाहिए इसके लिए। धारा 323 का था, जिसमें आज कंकर बंजारे जी, पूर्व सांसद जो बालाघाट के निवासी हैं, पुलिस की टीम बना के उनके निवास से उनकी गिरफ्तारी की गई है, जिस पर अग्रिम कार्रवाई हेतु जेआर में पेश करने के लिए न्यायालय प्रस्तुत किया गया। सर, पूर्व नपा अध्यक्ष, उनकी पत्नी ने पुलिस का आरोप लगाए हैं कि उनको अंडर गार्मेंट कपड़े पहने रहते रात में उठा के, चड्डी बनियान में उठा के ले गई। जो विधिवत गिरफ्तारी की प्रक्रिया होती है उसको फॉलो करते हुए ही आगे गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। सर, अभद्रता करने का भी आरोप है पुलिस का? नहीं सर, असर गलत। सर, कपड़े क्या ऐसे स्थिति में ले जा सकते हैं? बगैर बगैर कपड़े ऐसा नहीं, कपड़े पहनने की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा प्रॉपर फॉलो किया गया है। उनको जो समझाइश दी जाती है, गिरफ्तारी की सूचना दी जाती है, वो सब प्रॉपर फॉलो करने के बाद ही उनकी गिरफ्तारी। तो बता रहे हैं सर की सूचना दी नहीं गई पहले से? जी बिल्कुल दी गई। सर, अभी क्या कार्रवाई हुई? सर, एसडीएम ऑफिस को लाया गया यहाँ पे, जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है और 110 की कार्रवाई है उसके लिए यहाँ पे लाया गया। सर, ये पूरी कार्रवाई में इतना समय क्यों लगा? पूरी कार्रवाई क्योंकि समय लगता है इसमें, काफ़ी लिखा पड़ी होती है, उसमें पूरे दस्तावेज इकट्ठे करके उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए इतना समय लगता है।